दोस्तों स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक मैं आपको दोस्तों 14x10 की एक वॉल आपको दिखा रहा हूँ जिस पर हमने PVC पैनल लगाने हैं। तो इस वीडियो को आज आप लास्ट तक देखते रहिए, पूरा PVC वॉल पैनलिंग इंस्टॉलेशन जो है आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर मिल पाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दीजिए हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों मैंने इस छोटी सी क्लिप में आपको पूरी वॉल की कंडीशन जो है वो दिखा दी है। इस पर पहले टेक्सचर डिज़ाइन जो है वो पेंट का हो रखा था और ये सीलन की वजह से जो ख़राब हो चुका है, तो अभी इस पर जो है हमें परमानेंटली PVC पैनल जो है लगाने हैं ताकि लाइफ में 10-15-20 साल जो है वो ज़रूरत ना पड़े पेंट कराने की। तो पेंट कराने के देखिए दोस्तों, कैसा भी पेंट आप क्यों ना करा ले, चाहे वो पुट्टी करा करके या POP करा करके, कैसा भी पेंट आप टेक्सचर पेंट या किसी भी तरीके का पेंट क्यों ना करा लें, अगर दीवार में सीलन है तो आपका पेंट जो है वो 1-2 साल में ख़राब हो ही जाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप PVC पैनल इंस्टॉल कराएं। तो जिस तरीके से अभी इस पूरी वॉल को आपने देख ही लिया है और PVC पैनल किस तरीके से इंस्टॉल हो रहे हैं वो भी आप पूरा इस वीडियो में जो है देखेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगती है या हमारा वर्क आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप वर्क कराना चाहते हैं तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इंस्टॉलेशन जो है की जा रही है। दोस्तों इससे पहले एक इंस्टॉलेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया था, और वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में जो है वो इस चीज़ के लिए बता चुका हूँ कि जब इंस्टॉलेशन होती है PVC पैनल की तो वो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम जो है शुरू करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि ये जो पैनल इंस्टॉल हो रहे हैं ये राइट हैंड साइड की तरफ से जो हो रहे हैं। इसका एक सीधा सा रीज़न ये है कि देखिए इसमें दो सिस्टम होते हैं, लॉकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, अभी जो फ्लावर है हमारा ऊपर की तरफ है, अगर हम राइट हैंड साइड से इस जो पैनल को है अगर इंस्टॉल करेंगे तो ये फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हमें लॉकिंग सिस्टम की ओर चलना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे तो फ्लावर जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा, नहीं फ्लावर जो है उल्टा हो जाएगा। तो इस वजह से आपको पहले PVC पैनल लगाने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो पैनल है उस पर डिज़ाइन कैसा है, वो डिज़ाइन आपका लेफ्ट हैंड साइड से लगाने से सही आएगा या राइट हैंड साइड से लगाने पर सही आएगा। बाकी यहाँ पर आप कॉर्नर वगैरह कटिंग वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर कटिंग वगैरह या कॉर्नर वगैरह बनाए जाएंगे। तो पूरी प्रॉपर फिनिशिंग और लास्ट तक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पूरी दीवार PVC पैनल लगने के बाद में कैसी लगेगी वो भी आपको दिखाऊंगा, और पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा शुरू से आखिर तक। जो भी हमारे भाई हमारी वीडियोस से सीख रहे हैं काम किस तरीके से किया जाता है, अगर ये सीख रहे हैं तो हमारी हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर होती है। तो इस वीडियो में भी आप पूरा लास्ट तक बने रहें, आपको 100% बहुत सारी नॉलेज जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपको बता दूँ दोस्तों, हम जो है वो इस पैनल को लगाने के लिए बैटन गिट्टी का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा वायर को रोकने के लिए जो बैटन गिट्टी इस्तेमाल की जाती है, जो कि सालों साल जो है वो नहीं निकलती है, या जो उसकी दोस्तों अंदर की कीले होती हैं तो वो जो है वो काफ़ी हैवी कीले होती हैं और लंबे टाइम तक 20-30 साल जो है कहीं पर भी जो है नहीं जाती है। तो सेम उन्हीं कीलों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉर्मल कील आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और बहुत सारे हमारे भाई बोलते हैं कि जो स्क्रू वगैरह है उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, तो स्क्रूइंग का इस्तेमाल करने के देखिए देखिए उसका फ़ायदा भी है अपना और एक नुकसान भी है। देखिए नुकसान पहले आपको बता के चलूँ तो ये है कि अगर आप स्क्रूइंग करते हैं तो अगर स्क्रू क्योंकि पैनल का जो लॉक है वो उतना बड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से स्क्रूइंग करने पर जो लॉक है वो टूट भी सकता है। तो बहुत सारे चांसेस ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर हम स्क्रूइंग जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं। फ़िलहाल के लिए जो बैटन गिट्टी है दोस्तों हमेशा रहने वाली है और काफ़ी लंबे समय तक आपके पैनल को जो है वो सेफ रखेगी और ये जो है वो कभी भी जो है नहीं निकलेगी, और आपका पैनल भी हमेशा जो है वो लगा रहेगा जब तक भी पैनल जो है वो चलेगा, जब तक आपकी जब तक पैनल की सेफ्टी आपके पास है तो तब तक आप ये गिट्टी वगैरह जो है वो लगी रहेंगी, ये जो कीले हैं वो लगी रहेंगी, कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और इंस्टॉलेशन का पूरा हम तरीका आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इंस्टॉल की जा रही है, बिल्कुल क्लोजली हम अपने वर्क को दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल धोखेधड़ी वाला कोई काम जो है नहीं होता है, 100% सिक्योर और सेफ़ वर्क जो है वो होता है।
इसलिए हम अपनी हर वीडियो में बिल्कुल अपने वर्क को क्लोजली दिखाते हैं और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में पूरा वर्क जो है वो किया जाता है। ये आप देखिए, चार पैनल अभी लग चुके हैं और मैं टाइम लैप्स करके पूरा वीडियो आप जो को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अभी हमारा कुछ इंस्टॉलेशन आधी वॉल तक जो है वो हो चुकी है और अभी थोड़ी वॉल और जो है रह चुकी है, तो वो भी मैं आपको लास्ट तक वीडियो में दिखा रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो में बने रहें दोस्तों। अगर आप वर्क कराना चाहते हैं तो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ से अगर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या स्क्रीन पर भी मैं नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें लोकेशन की, तो देखिए आप अगर दिल्ली NCR में कहीं से भी हैं तो आप वर्क जो है वो करा सकते हैं। और दूसरा हमारा जो वर्क चलता है वो दोस्तों चंडीगढ़, पंजाब में मोहाली, जीरकपुर में आप वर्क जो है वो करा सकते हैं। और दूसरा हिमाचल के भी कुछ एरियाज़ जो है वो हम कवर करते हैं। अगर आप इन 5 से 6 सिटीज़ में जो है वो रहते हैं तो आप वर्क जो है वो बिल्कुल करा सकते हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, बहुत सारे कॉन्टैक्ट हमारे पास राजस्थान के और मुंबई के आते हैं, तो कुछ जो हमारे भरोसेमंद लोग हैं, मतलब जिनका काम हम देख चुके हैं, जो सेम एज़ हमारे जैसा ही काम करते हैं, तो उनसे आपका कॉन्टैक्ट जो है करा दिया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली मुंबई वगैरह से भी हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए कॉल जो करेंगे वो केवल दिल्ली NCR के, और जो आपका चंडीगढ़, पंजाब, मोहाली, जीरकपुर वगैरह से, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप कॉल करेंगे, जितने भी आप इन सिटीज़ से रहने वाले हैं तो आप कॉल करेंगे, तो आपके हर कॉल को जो है वो रिसीव किया जाएगा और हर सवाल का जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वर्क यहीं पर चलता है। और जो अलग सिटीज़ से हैं तो दोस्तों वो हमें, हमारे भाई जो भी हैं, वो या तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें, इंस्टाग्राम का नीचे लिंक मैंने जो है दे दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएँ, वहाँ पर फॉलो करें, नए नए डिज़ाइन वहाँ पर भी अपलोड करते रहते हैं। और क्विकली रिप्लाई के लिए देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिन में 100-200 कॉल आती हैं, तो कोई भी कॉल अगर रिसीव करने से रह जाती है तो हम जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू आपके प्रश्न का जो है वो ज़रूर से जवाब दिया जाए। और पूरी कोशिश हमारी रहती है कि आपको क्विकली रिस्पॉन्स जो है वो हमारे हमारी तरफ से मिल पाए। तो उसके लिए आप हमें, जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जो लोग फेसबुक पेज चलाते हैं तो फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दिया है। तो इन 3-4 सोशल मीडिया चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी बात जो है रख सकते हैं। एक चीज़ और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई कमेंट करते हैं, तो कमेंट में अगर आप खर्च पूछना चाह रहे हैं तो खर्च के लिए दोस्तों आप अपने जो भी आपका रूम है प्रॉपर साइज़ उसका लिखेंगे तो आपको खर्च जो है ज़रूर से बता दिया जाएगा। अब फाइनली खर्च के बारे में अगर बात करें, तो अगर आप एक मान लीजिए, ये तो देखिए 14.5x10 की वॉल है, अगर आपकी 10x10 की वॉल है और आप PVC पैनल लगवाना चाहते हैं तो ₹75 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपकी एक वॉल जो है तैयार की जाएगी। ₹7500 में आपकी एक पूरी वॉल जो है वो सुपर हैवी पैनल में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एक लमसम रेट जो है वो बता दिया जाए